है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज और मैं हूं आपके साथ मनाल खान। देखिए फिरोजाबाद के प्राथमिक विद्यालयों का हाल, जहां दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में भी बच्चों को नहीं बांटे गए स्वेटर और जहां बांटे भी गए तो बच्चों के साइज के नहीं पहुंचे। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे सिकुड़ रहे हैं सर्दी में। देखिए हमारी संवाददाता रीना खान की स्पेशल रिपोर्ट। हम पहुंच चुके हैं ग्राम कपावली। जी हाँ, ग्राम कपावली के प्राथमिक विद्यालय में, जहां हम जानेंगे कि यहां का स्कूली शिक्षा और यहां की जो सरकार की योजनाएं हैं और सरकार की जो भी छात्र छात्राओं के प्रति जो भी योजनाएं हैं, जैसे कि स्वेटर है, किताबें हैं या यूनिफॉर्म है, इनको मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है। यानी जैसा कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और इनके जो सरकार के द्वारा जो इनको बच्चों को यहाँ के स्वेटर वगैरह भेजे गए हैं उनको उपलब्ध हुए हैं या नहीं, इसी तरीके का हाल हम जानेंगे इस प्राथमिक विद्यालय कपावली में। पहुंच चुके हैं क्लास एक में। जी हाँ, और यहाँ हम दिखाते हैं कि क्लास की स्थिति क्या है, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वर्षों से यहाँ क्लास नाम की मतलब गड्ढे हो रहे हैं इतने बड़े बड़े और कोई प्लास्टर नहीं हुआ है, कि खिड़की टूटी है, बच्चों को हवा लग रही है, ठंडा सर्दी का मौसम है और किस तरीके से केबल, पाइप, झाड़ू, मतलब इन सब चीज़ों की रखने की जगह क्लास में है, इस तरीके का डिसिप्लिन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। खिड़कियाँ टूटी हैं, कुर्सियों पर मतलब चटाई रखी है पुरानी, आखिर इस क्लास का डिसिप्लिन क्या है। और बच्चे भी केवल इस क्लास में 24 बच्चे होने के कारण केवल और केवल आज हमें यहाँ 6 बच्चे दिख रहे हैं, आखिर वजह क्या है इन बच्चों की, क्या यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही या फिर बच्चे आ नहीं रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है ये खुद ही आप देख ही रहे होंगे कि कौन हो सकता है जिम्मेदार। हाँ, आइए चलते हैं यहाँ कि किस तरीके का यहाँ का शिक्षा स्तर है और यहाँ बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और इनको सरकार की जो भी चीज़ें मिली हैं वो मिली हैं या नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, ये बताओ कि आप सर्दी है स्वेटर पहनकर नहीं आए बेटा? अभी मिला नहीं है, छोटा आ गया है। छोटा आ गया है, कितना छोटा है? मैम यहाँ पे बनता है हमारा। अच्छा, तो मतलब जूते वगैरह हैं आपके? हाँ, बाहर है। अच्छा, नहीं मिले स्कूल से? हाँ नहीं मिले। कब मिले? अभी मिले हैं पल्ले महीने में। अच्छा, और बैग? बैग मेरा रखा है घर पे। तो लेके क्यों नहीं आते आप? मैम बे उधर रखा हुआ है नंता। अच्छा, आई कार्ड कहाँ है आपका? मैम बना नहीं है। कब? इस साल का नहीं बना है, अगली साल का था आपके पास? बनता नहीं है यहाँ? पता नहीं है हमें। अच्छा, क्लास 5 में बच्चों की संख्या केवल 7 है, जबकि यहाँ बच्चे 19 मैडम के स्टेटमेंट के अनुसार बताया जा रहा है, लेकिन बच्चे तो यहाँ केवल 7 बैठे हैं। आखिर जो बच्चे नहीं आए क्या वजह है? क्या उनको स्वेटर नहीं मिला या उनको किताबें नहीं है या उनके पास ड्रेस नहीं है इसकी वजह से या फिर मैडम की कोई सख्ती नहीं है? मैम के अनुसार इस क्लास में बच्चे 29 हैं, लेकिन जबकि यहाँ बच्चे केवल और केवल गिनती के 4 बच्चे बैठे हैं। आखिर ये किस तरीके की पढ़ाई हो रही है? यहाँ बच्चे आ नहीं रहे हैं या फिर मैम खुद नहीं बुला रही हैं, आखिर कारण क्या है? आइए हम इन्हीं बच्चों से बात करते हैं कि ये बच्चे, इनके जो साथी हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे। बेटा क्या नाम है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, ये बताओ आपके जो दोस्त हैं और बच्चे क्यों नहीं आ रहे, छुट्टी है? नहीं। कितने बच्चे आते हैं वैसे? 29। 29 बच्चे आते हैं। किस तरीके से आपने यहाँ के शिक्षकों के जो डिसिप्लिन है और यहाँ बच्चों को जो सरकार की योजनाएं हैं नहीं मिल पा रही हैं, कोई दो दो साल से, एक साल को उन्हें पिछली साल बैग मिला है, किसी को पिछली साल स्वेटर मिला है, किसी के छोटे स्वेटर आ गए हैं, आखिर सरकार ने कुछ भेजा है या नहीं? अगर भेजा है तो फिर है कहाँ ये सारी चीज़ें? इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, आगे और भी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ हम जानते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, आखिर कौन कितने पानी में है। मेरे साथ बने रहिए। कैमरा विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, वॉइस टीवी फिरोजाबाद।